Welcome back to our YouTube channel, guys. Hi guys, welcome back to YouTube channel. तो guys, मैं आज हम लोग आपको रिव्यू देने आए हैं एक मूवी का और काफी दिनों बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं। हाँ, तो काफी दिनों बाद एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं हम लोग आपसे बात करने के लिए और आपको बताने के लिए कुछ स्टोरी है। द केरला स्टोरी आप देख रहे होंगे कि उसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आपसे बात करने आए हैं द शाची ब्लॉग्स में। और मेरा नाम है शानू उपाध्याय, शिवानी शर्मा। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द केरला स्टोरी। तो जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहोगे न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है केरला स्टोरी। आप लोगों में से कई लोगों ने तो मूवी भी देखी आ गई हो। अभी आपने मूवी नहीं देखी, जिनने नहीं देखी तो प्लीज जाइए और इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि ये प्रोपोगंडा नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि रियल स्टोरी है। और गाइस, इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। जिन लोगों के साथ हुआ है वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। और मेरे हिसाब से ना गाइस, सारे इंडियंस को, जो भी इंडियंस है ना, और इन सारे इंडियंस को जाकर देखना चाहिए, बिकॉज ये इंडिया के ही खिलाफ यूज करते हैं उन लोगों को जो इंडियंस को ही लेकर के जाते हैं। और ISIS आपको पता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो इंडियंस को ही इंडिया के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो सारे इंडियंस को देखना चाहिए, स्पेसिफिक किसी रिलीजन की बात नहीं है, है ना। तो सभी को जाकर देखना चाहिए। जैसे कि आप भी शिवानी से पूछते हैं, शिवानी ने मूवी देखा है तो उसको कैसा लगा मूवी? मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत इमोशनल मूवी है। मतलब हम लोगों को देख के इतना इमोशनल फील हो रहा है कि यार, और जिनके साथ हुआ है उनको, मतलब हुआ क्या है, ये सिर्फ तो दो तीन लोगों की बात है ना, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी कहानी तो शायद किसी को पता भी नहीं होगी, जिन लड़कियों की कहानी, तो उनके साथ जो हो रहा है और अभी भी करंटली हो रहा है, तो उनके ऊपर वो उनको क्या फील हो रहा होगा ये तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। पहले ब्रेन वॉश करो हमारे, मतलब जो भी रिलीजन, नॉट इवन, मतलब नॉट ओनली हिंदू गर्ल्स के साथ, सारे रिलीजन के साथ पहले उनका ब्रेन वॉश करो कि हाँ आपके गॉड कमजोर हैं, वीक हैं, ये हैं, वो हैं। तो ना हमें क्या प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे भी ना, हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने बच्चों को अपने जो रियल कल्चर है, हमारे गॉड्स हैं, जो उनकी मतलब जो भी स्टोरीज हैं ये हैं सब, वो हम उनको बताते ही नहीं है। तो जब हमारे रिलीजन के बारे में कि कितना पावरफुल है, क्या है, ये सब हम बताएंगे ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो उन्हें जो पता चलेगा वो उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हमें अवेयर करके रखना चाहिए बच्चों। हमें एक्चुअली ना, कि हमें अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि सनातन धर्म है एक्चुअली है क्या और कैसा है और इसमें क्या 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 होता है। तो एवरीबडी नोज अबाउट द सनातन, ओके। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर जैसे आपके बच्चे को नॉलेज नहीं रहेगा तो वो काउंटर नहीं कर पाएगा किसी, मतलब जैसे स्पेसिफिक किसी रिलीजन की बात, कोई भी रिलीजन हो, अगर वो अपने बारे में बता रहा है आपके बच्चे को और ऐसा होता है, हमारे गॉड बहुत बड़े हैं या हमारे गॉड ने ऐसा कर दिया था, तो आपके बच्चे को भी पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे सनातन धर्म कब चालू हुआ और सबसे बड़ा धर्म है सनातन कैसे है। ये सारी नॉलेज उसको होना चाहिए कि वो काउंटर कर पाए, अपने आंसर दे पाए, है ना। तो डेफिनेटली इससे बहुत सारी हेल्प होगी। और पहली बात तो ये कि ये सारी लड़कियों को ये मूवी जाकर के दिखाइए, अपनी सारी बच्चियों को लेकर के जाइए और ये मूवी बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि वो ट्रैप ना हो पाए, ठीक है। एग्जैक्टली, फ्रेंडशिप के चक्कर में, लव के चक्कर में, बहुत सारी चीजों के चक्कर में इन्फ्लुएंस हो जाती है और अपना धर्म छोड़ के कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आप लोग जिनने देखी होगी तो उनको तो समझ में आ रहे होंगे, भाई ये रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे, ठीक है। इतना सोच के जिसके साथ हुआ होगा तो उसकी तो अंतरात्मा और मतलब क्या होगा वो तो जाने भाई है। उनमें मतलब जिन लड़कों का इन्वॉल्वमेंट था उनको इन्फ्लुएंस करने में, वो तो आज भी फ्री घूम रहे हैं, टोटल फ्री, उनका कुछ ना कुछ नहीं कर पाए, चल रही है, मतलब क्या है ये। मूवी में भी एंड में उन्होंने दिखाया कि भाई एक लड़का है, वो रमीज व्हाट हिज नेम, आई डोंट नो, रमीज, उस लड़के का अभी भी वो ट्रेवल एजेंसी चला रहा है, कोई पिज्जा बॉय है, पिज्जा डिलीवरी शॉप चला रहा है, पिज्जा का हट चला रहा है, तो मतलब लड़की है, वो लड़की जिसकी मतलब कोई भी शॉप ऑफ चला रहे हो और वो लड़की बेचारी अपने बच्ची को लेकर के जेल में,
मतलब पहले एक फ्रेंडशिप करो, फिर प्यार में फंसाओ, फिर प्रेग्नेंट कर दो, फिर कहीं ना कहीं ले जाके या तो ह्यूमन बॉम्ब बना देते हैं। ये तो बेच देते गाइस, बहुत खराब स्थिति है। इतना इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। अगर अगर आप इसको प्रोपोगेंडा समझते हो, हेट फैल रही है भाई, किसी की सच्चाई समझ के तुमको लग रहा है हाँ मैं ऑफेंड हो रहा हूँ, तो भाई तुम समझ लो कि तुम वो चीज हो क्या। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है ना, राइट। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम किसी को बता रहे हो और उसको सुनने वाले को बुरा लग रहा है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सुनने वाले की गलती कि उसको बुरा लग रहा है, राइट। तुम्हारी तो कहानी स्टोरी तुमको तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, कि तुम तो सच बोल रहे हो। तो गाइज ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जो केरला में ही नहीं, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ये में हो भी रहा भाई है। डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इनके ऊपर, पता है आपको। आईएसआई की दुल्हनियाज ऐसा कुछ करके एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, बट बनी हुई है। और इतनी सारी लड़कियों, विदेश से लड़कियां ला रहे हैं, मतलब कहीं यूरोप से, कहां कहां से इन लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है और उनके साथ इतना बुरा हो रहा है ना गाइस, वो भी आप सारी सोच नहीं पढ़ी सकते लिखी हो। लड़कियां उनको ट्रैप कर रहे हैं। आप सोचो मतलब कि इसमें एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं कि यार। हाँ कि कोई बेवकूफ हो तो फंस जाए हाँ ना, राइट। लेकिन आप, बस मेरा ये कहना है कि बच्चों को जरूर ये पिक्चर दिखाओ ले जा करके, कि उनको बताओ कि हमको नहीं फंसना है, राइट। ओके गाइस, इतना ही कहना था। और और प्लीज देखो मूवी। मूवी प्लीज जा करके देखो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मूवी तो वैसे ही बहुत बढ़िया है और अच्छी चल रही है, अभी 3-4 दिन में अच्छा कमाया है मूवी ने, अच्छा ही किया है। और होप आई होप अच्छा करे। और गाइस और जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक, लड़कियों तक स्पेशली हाँ पहुंचे। स्पेशली पहुंचे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाय।